हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। सो आज वाला व्लॉग है वो थोड़ा सा स्पेशल, अलग से है। बेसिकली है क्या कि मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने ट्राइम्फ टाइगर ली है 800 cc, और कई दिनों से वो गाड़ी भी खड़ी थी। एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक है तो इस हिसाब से थोड़ी बहुत तो यू नो स्क्रैचेज एंड एवरीथिंग होगी ही होगी। सो मुझे मेरे ऑटोमोबाइल वाले जितने फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा था एक अलग से ब्लॉग बनाने के लिए सेरेमिक कोट के ऊपर। सो आज वाला ब्लॉग है वो पूरा का पूरा सेरेमिक कोट और जो पुरानी बाइक है उसको रीस्टोर करने पर है। अभी जो पिछला वाला वीडियो था वो था कार मेरी, जो ये गेटअवे जो मैं चला रहा हूँ इसको रीस्टोर करने के ऊपर। सो आज वाला ब्लॉग पूरी तरह सेरेमिक कोट और कैसे हम पुराने जो पार्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है क्या कि हम उन पार्ट्स को चेंज ही करें, हम उनको वापस रीस्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। सो आज ये पूरा का पूरा वीडियो इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। अगर आप मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, और बाकी जो मेरे सोशल मीडिया नीचे की तरफ जो दिए हुए हैं सारे के सारे, उनके ऊपर जाकर आप जुड़ सकते हैं और हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव और भी नया नया कर सकते हैं जितना भी हम कर सकें। बस तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर वीडियो में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जहाँ से मैं गाड़ी करवा रहा हूँ उनका मैं लिंक डालूंगा। सो गेट रेडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और ब्लॉग्स को देखते रहिए और मुझे बताते रहिए कि और क्या क्या नया किया जा सकता है। सो स्टे ट्यून। ये है वो ट्राइम्फ टाइगर 800, और मैं आपको सबसे पहले इस गाड़ी का अभी वाला व्यू दिखाता हूँ जिसके अंदर पूरी की पूरी जो गाड़ी है ये गंदी हो रखी बहुत ज़्यादा, और साथ में कलर फेड भी हो रखा है। जैसे कि आप ये वाली जगह देखो कि ये वाले जो हैं यहाँ स्क्रैचेस हैं और बहुत ना रंग बहुत ज़्यादा फेड हो रखा है। उसी तरीके से गाड़ी बहुत ज़्यादा डल लग रही है, विंडशील्ड जो है इसमें भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, और जो प्लास्टिक जितने पार्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, इस पर आप देख सकते हो वाइट वाइट कलर के ये जो ये मेटल है इसके ऊपर जो हल्के से दाग हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी को जैसी ब्रांड न्यू कंपनी से आती है उसके लायक रिस्टोर कर दें। सो इसके अंदर सेरेमिक कोट होगा वन, सेम टाइम पे जो क्रैश गार्ड है इसके ऊपर फिर से पाउडर कोट होगा, और ये जितनी भी शील्ड्स हैं आगे वाली ये फिर से रिस्टोर होगी, और ये जो पुराने स्टिकर्स हैं इनको हटा के और हम बिल्कुल जैसे स्टॉक गाड़ी आती है उसकी शेप में लेकर आएंगे। मैं फिर से आपको एक वॉक अराउंड दिखा दूं। ये जो गाड़ी है इसमें जंग भी लग रखा है, साथ में गंदी भी है, और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये ब्रांड न्यू की ब्रांड न्यू जैसी हालत में गाड़ी हो जाए। सो ये है बिफोर, और आफ्टर वाले के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। सो वीडियो को पूरा देखें और मुझे बताएं कि अगली बाइक हम कौन सी रिस्टोर करें। सेम टाइम पे ये जो मिरर्स हैं हम इनको भी हटा देंगे, और भी थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं मेंटेनेंस वाले वो सारे के सारे हम गाड़ी के कर रहे होंगे। अगला स्टेप है, अब हम उससे शुरू कर रहे हैं, सेरेमिक कोट करेंगे हम इस गाड़ी को, रंग को रिस्टोर करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले गाड़ी को वॉश करना पहला स्टेप है। वॉश करने के बाद में जो पार्ट्स हैं वो ओपन होंगे और धीरे धीरे डिटेलिंग होगी। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप, जो कि है वॉशिंग प्लस फॉर्म वॉश। गाड़ी के ऊपर फॉर्म वॉश हो चुका है, ये क्लीन होगा, उसके बाद में इसके ऊपर बाकी काम स्टार्ट करेंगे। एंड इट लुक्स अमेजिंग, फॉर्म वॉश के साथ में ना एक अलग सा फील आता है ना, क्रेजी। अगर आपको फॉर्म वॉश का वीडियो देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमने डिस्कवरी फॉर्म वॉश करी थी आप वाला वीडियो भी देख सकते हैं।
तो गाइस जो ये वाला पार्ट है इसमें जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सब पे रबिंग होगी और जितने भी स्क्रैचेस जो हैं उनसे वापस ना कोशिश करेंगे कि स्क्रैचेस धीरे धीरे ना गायब होते जाएं। गाइस अब जो आप गाड़ी देख रहे हो ना ये पूरा का पूरा पेंट ये तब का है जब इसके ऊपर सेरेमिक कोट नहीं हुआ है। तो जस्ट इमेजिन एक बार सेरेमिक कोट होने के बाद में ये पेंट कितना तो खिलकर आएगा और कितनी गाड़ी स्मार्ट लग रही होगी। तो मैं आपको वॉक अराउंड दिखाता हूँ तब का जब इसके ऊपर पूरी की पूरी तरह क्लीनिंग होने के बाद में बफिंग हुई। सो दिस इज़ द सेकेंड फेज। मैक्सिमम स्क्रैचेस गायब हो चुके हैं और अब हम इस पेंट के ऊपर जो प्रोटेक्टिव सेरेमिक कोट की लेयर लगाएंगे उससे इसका प्रोटेक्शन और बढ़ जाएगा। सो गाड़ी पे पूरे के पूरे पे बफ करने के बाद में फिर से एक बार वॉश करा इसको और अब आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी के अंदर जो फिनिशिंग है उसमें बहुत सारा फ़र्क आ चुका है। ये जितना भी फ़र्क है इसको रीस्टोर रखने के लिए इसके ऊपर सेरेमिक कोट होगा। देखते हैं कितनी लेयर इसके ऊपर कोट होने वाली है। सेरेमिक बेसिकली करेगा क्या, एक तो इस पर जो वाटर और डस्ट होगी वो चिपकी नहीं रहेगी, बहुत आसानी से कपड़े से भी साफ़ हो जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। सेकेंड जो एक लेयर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी जस्ट लाइक अपने फ़ोन पर जो लैमिनेशन होती है उसकी तरीके से। सो ये कलर जो है पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहेगा। वीडियो को आगे देखते रहें, कमेंट करें और वेट करें कि आखिरी में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिख रहा होगा। एनवायरनमेंट जो है वो पूरी की पूरी तरह बंद कर रखा है चारों तरफ से, कोई भी एक्सटर्नल जो डस्ट वगैरह नहीं आएगी, तभी गाड़ी का प्रॉपर सेरेमिक कोट का फ़ायदा मिलेगा। सो गाइस रात के 10 बज चुके हैं और अब जाके सेरेमिक कोट होना शुरू हुआ है विथ अ फेवरेबल कंडीशन जैसी कि सेरेमिक कोट के लिए चाहिए होती है। और लिटरली ना जैसी मैंने इस बाइक को पहले देखा उसमें और अभी में मुझे दिन रात का फ़र्क महसूस हो रहा है। आई गेस आपको भी इस कैमरा में फ़र्क महसूस हो रहा होगा। इट लुक्स रियली अमेजिंग। पूरा का पूरा पेंट रीस्टोर हो चुका है, गाड़ी में एक अलग तरीके की शाइन है और जैसा मैंने नेट पर पढ़ा है सेरेमिक कोट के बारे में तो ये फील तो लिटरली बहुत अमेजिंग थी। अभी पूरा प्रोसेस होना बाकी है, ये एक सिर्फ एक बेसिक कैसे सेरेमिक कोट कर रहे हैं कि पूरी गाड़ी को साफ करा और उसके बाद में इनके पास ये जो कपड़ा है इससे ये एक एक लेयर इस पर लगा रहे हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा जब गाड़ी पूरी तरह फिनिश हो जाएगी तब मैं इसका आपको वीडियो आगे की तरफ पूरा व्यू दिखाऊँगा। कम द सेरेमिक कोट जिसके लिए हम पूरी की पूरी रात मेहनत कर रहे थे। सुबह 4 बजे ये पूरी की पूरी गाड़ी सेरेमिक कोट हुई है। एज यू कैन सी जैसी पहले गाड़ी थी अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको पहले वाला फुटेज है आपको पाने में दिख रहा होगा उसके अंदर और इसके अंदर दिन रात का फर्क आ गया है। जो डिटेलिंग गाड़ी की है दैट इज़ टोटली डिफरेंट और आप पेंट के अंदर ना फ़र्क देख सकते हो। जितने भी छोटे मोटे स्क्रैचेस थे वो सारे के सारे गायब हो गए और अब 24 आवर्स तक ना ये बाइक एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहेगी जिसको कोई भी टच नहीं करेगा।
जो विंडशील्ड है सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए ये वाला जो एज है ना, कॉर्नर है, यहाँ पर ना ब्रेक फ्लूइड लग रखा था। सो वो कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज होती है वो रिस्टोर नहीं होती, और जहाँ तक कोशिश है पेंट को रिस्टोर करने की वो हो जाता है। अब सेरेमिक की जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन आंसर सेशन ना जस्ट इसके बाद में रखा जाएगा एक छोटा सा। आप फिर से देख सकते हैं इंजन से लेके सारी चीज़ों को इस तरीके से रिस्टोर करा गया है। एंड दिस इज़ ट्राइंग टाइगर 800 cc।